100 दिन पूरे होने के परिपेक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही उन्होंने कहा था कि 100 दिन का टास्क सभी को दे के आए हैं, तो 100 दिन में भारत सरकार की जो उपलब्धि रही है विभिन्न विभागों की, आज उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 को चुनाव का रिजल्ट आया और देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। और लगातार पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश के लिए, देश के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य कि जो 4 आयाम को लेकर उन्होंने युवा, महिला, किसान और गरीब, इन 4 आयामों के लिए योजना तैयार करना और उस योजना को नीचे स्तर तक, लाभुक तक, पात्र लाभुक तक पहुंचाना, ये एक लक्ष्य के साथ, दूरगामी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया। और लगातार इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में विभिन्न विभागों के द्वारा बड़े बड़े निर्णय भी किए गए और इसी से ये साफ जाहिर होता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता क्या है। नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं और इस 100 दिन में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी किए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग इस 100 दिन के अंदर में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शुभारंभ किया गया है और उद्घाटन भी किया गया है। इसी क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम अगर देखें तो सरकार ने पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ फेज की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें 49,000 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 25,000 अन कनेक्टेड जो गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं था, तो 25,000 से ज़्यादा गांवों को इसमें जोड़ने का प्रावधान और जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो किसान, चूँकि 4 आयाम में मुख्य रूप से किसान भी आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जैसा कि लगातार 2 किस्तों में किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं 3 किस्तों में, तो इसकी भी स्वीकृति लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा चुकी है। और अभी तक कुल 12,33,00,000 किसानों को 3,00,00,000 वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह से देश में कार्यरत कर्मचारियों के व्यापक हित को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी स्वीकृति दे दी गई है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से अधिकतम 25 वर्षों तक काम करने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगा। इसी के साथ साथ युवाओं की बात अगर करें तो 4 आयाम में एक युवा भी है, युवा को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक क्षेत्र में युवाओं को की सशक्तिकरण के लिए और उनके भविष्य को संवारने, सजाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। और इसी के तहत एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं
शुरू की है, जिसमें हम देखें तो 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, जिसमें युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा और इससे 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी उसमें मिलेंगे और उसके तहत भी एक मुफ्त सहायता राशि भी प्रदान करने की घोषणा की गई है और उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके साथ देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि कोई भी बेघर न रहे। हर किसी का एक लक्ष्य संकल्प होता है कि अपना एक जीवन काल में घर हो, तो ये एक घर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि कोई भी बेघर न रहे, उसी के तहत पहले कार्यकाल में 4 करोड़ और इस बार 3 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत वरिष्ठ जनों के लिए भी, कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट से हो गई है कि 70 वर्ष से ऊपर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई भी उनकी आय की सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। अभी तक अन्य लोगों को भी मिलता था, जिसमें कि एक बाध्यता थी, आय की बाध्यता थी, लेकिन 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोई आय की बाध्यता नहीं होगी। और वैसे हर एक लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भारत सरकार के माध्यम से, विभिन्न चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से भी बहुत बड़ा एक जो परिवार के सदस्य हैं, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम होगा, ताकि उनका इसका लाभ पूरा उन्हें मिल पाएगा। और इस तरह से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ भी मिलेगा। इसके साथ पीएम जनमन योजना, जैसा कि आप हम जानते हैं कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके लिए, जो विलुप्त होती जनजातियां हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई है। उसके तहत 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था है और इसके तहत उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनके हर तरह की सुविधा के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। और इसी तरह से हम देखें तो फिर हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी लगातार वुमेन डेवलपमेंट से, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर एनडीए सरकार कृत संकल्पित है। और उसके लिए लगातार योजनाएं सिर्फ तैयार ही नहीं की जा रही है, बल्कि उस योजना का लाभ उन हरेक महिलाओं तक पहुंचे, बच्चियों तक पहुंचे, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और विभिन्न विभागों के माध्यम से इस पर कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत अगर हम देखें तो इस बार बजट में जो जेंडर बजट है, लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की मंजूरी दी गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है। और इसके तहत हम देखें तो फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उसकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए लगभग 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसी तरह उसके माध्यम से उसे लाभ दिया जा रहा है। उसी तरह पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र के माध्यम से भी, यानी पर्यटन स्थलों पर जब कोई जाएंगे तो वहां पर इनके माध्यम से लोगों को सुविधा मिल सके और पर्यटन दीदी के माध्यम से लोगों को रोजगार, हमारी बहनों को रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लखपति दीदी की बात करें तो लखपति दीदी के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पर चर्चा भी की जाती है, लखपति दीदियों से काफ़ी संवाद भी स्थापित किए गए हैं, तो इसी में 11 लाख नई लखपति दीदी को भी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं।
यानी अभी के समय में जो हमारी लखपति दीदी 11 लाख से ज्यादा बन चुकी है, जो एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपया वो कमाएंगी। तो इस तरह से फिर मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें भी लगभग पहले 10 लाख रुपया का प्रावधान था, 10 लाख से अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनों को जो रोजगार करने वाली उनको ये विशेष इसका लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, जो एक दृष्टिकोण है, और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है, निश्चित रूप से उसमें महिलाएं भी उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका उसमें निभाने वाली है, इसलिए आज ये वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये भी आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और अभी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से और साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक घरानों के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, कि जहां कामकाजी महिलाएं हैं उस कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित घर की व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ पालना के तहत उनके बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था हो सके, ताकि कामकाजी महिलाएं दिन भर जब वो काम करती हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्रेच की भी व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी बात, जो कामकाजी महिलाओं के जो सुरक्षित घर की बात हमने कहा, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से, चूंकि वहां पर हर तरह की व्यवस्थाएं होंगी, तभी शायद कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा अवसर भी मिल पाएगा, और इसके लिए हम औद्योगिक घरानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसके साथ साथ विभाग के माध्यम से भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि अभी एक शी बॉक्स पोर्टल का भी लॉन्च पिछले दिनों अपग्रेडेड वर्जन का लॉन्च अभी हमने किया है। इसके माध्यम से जो कार्यस्थल पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके साथ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो वो उस सी बॉक्स पे पोर्टल के माध्यम से वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है, और उसके बाद उसके माध्यम से उनको उस पर कार्य भी होंगे, क्योंकि हर एक जगह इसके लिए कमिटी बनी होती है, और कमिटी बनेगी, कमिटी के माध्यम से किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर है तो शिकायत को दूर करने का भी प्रावधान है उस कमिटी का। तो इसके माध्यम से भी जो पॉश एक्ट है, खास करके जो तो उस पॉश एक्ट 2013, तो उसमें जिस किसी भी महिला को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वो शिकायत दर्ज कर और इसका लाभ उससे ले सकती है। उसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण हम सबका एक अभियान है, कुपोषण मुक्त भारत की बात हम करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, तो उनको भी कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय कृत संकल्पित है, और इसके लिए हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगातार उसकी स्क्रीनिंग और लगातार उस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी 7वें पोषण माह कार्यक्रम भी हमारा अभी चल रहा है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये चलना है, और पोषण माह के इस पोषण माह में इसकी शुभारंभ हो चुकी है, और इसका मुख्य थीम कि एनीमिया, पूरक आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, और एक पेड़ माँ के नाम। तो ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश भर में चल रहा है, और इसके माध्यम से लगभग अभी तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक गतिविधियां इसमें हो चुकी है। तो इसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि ये जन जागरूकता कार्यक्रम है, कि हम लोगों को जागरूक करें और उनके खान पान से लेकर अन्य चीज़ों से लेकर लोगों को जागरूक करके कैसे हम कुपोषण से मुक्ति दिला सकते हैं, तो उसके लिए, और साथ ही साथ पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, कई थीम है जिसके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही हम अभी आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में इस 100 दिन में लगभग 10,587 आंगनवाड़ी केंद्रों को
सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में परिवर्तित किए हैं, जिसके माध्यम से उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर एलईडी स्क्रीन भी होंगे, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर शौचालय, पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था के साथ अन्य सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और उसके साथ ही साथ एलईडी के माध्यम से हम जो पोषण भी, पढ़ाई भी जो कार्यक्रम हमारा है उसके माध्यम से, ताकि हमारे जो बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उनको उसके माध्यम से जो समय समय पर हर एक सप्ताह में नए नए जो कंटेंट आएंगे उसके माध्यम से बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाई करा सके। और उसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि अभी तुरंत इस 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ही झारखंड प्रदेश में लगभग 2500 लघु आंगनवाड़ी केंद्र थे जिसको उत्क्रमित कर दिया है, अपग्रेड की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। और उसके साथ ही साथ लगभग 68,050 आंगनवाड़ी केंद्र है जो सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए भी, इसकी भी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा इस पर अभी कोई काम शुरुआत के लिए कोई ठोस पहल अभी नहीं की गई है, ना ही जो अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र है उसको उसके लिए कोई काम पहल शुरू हुई है, ना ही सक्षम आंगनवाड़ी के लिए। और इसके साथ ही लगभग 1024 आंगनवाड़ी सब क्रेच की भी स्वीकृति झारखंड प्रदेश को दी गई है, जिसकी भी शुरुआत अभी नहीं की गई है। और इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर तो कई ऐसे पद हैं जो कि CDPO अन्य बहुत सारे खाली भी पड़े हुए हैं, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोगों को विभाग की जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने भी ये एक पायलट के तौर पर जो THR हम देते हैं, THR का फेस ऑथेंटिकेशन के लिए 6 जिलों में, हम 6 राज्य के 6 जिलों में हम इसकी स्वीकृति दिए हैं। रांची में भी इसी महीने से शुरुआत होने जा रहा है, ताकि उसमें फेस ऑथेंटिकेशन के साथ एक OTP आएगा और उसके बाद फिर वो राशन लेंगे। तो ये पायलट है, इसकी शुरुआत हुई है, विभिन्न राज्यों में हुई है, अभी झारखंड प्रदेश में भी ये करना इस महीने से ही इसका शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ पोषण भी, पढ़ाई भी, जैसे पहले ही हम कहे पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग हमारे 15,364 आंगन राज्य कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और ये मास्टर ट्रेनर फिर वो नीचे स्तर पर, राज्य स्तर पर जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी सेविकाएं होंगी उनको ट्रेनिंग देंगी। तो इसमें लगभग इस ट्रेनर जो हम ट्रेनिंग दिए हैं 15,364, उसमें 344,192 बच्चों को ये कवर करते हैं। और इसके साथ फिर 10,756 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम ट्रेनिंग अभी हमको देना है, इसके लिए इसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है, जो हमारा पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम है उसके उसके लिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया गया है। और समय समय पर ये हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्रशिक्षित कर, मास्टर ट्रेनर को भारत सरकार प्रशिक्षित करती है और उसके बाद नीचे स्तर पर राज्य सरकार अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग कराती है। और इसी तरह से देखें तो अभी देश भर में लगभग हमारे 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, और उसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सभी को आयुष्मान भारत से जोड़ने का भी निर्णय अभी पिछले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, ताकि अन्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी लाभ आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी सेविका और सहायिका दोनों को मिल सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए भी हम कार्यक्रम मुफ्त, ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, उनका अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 100 दिनों में 15,00,000 करोड़ रुपये की परियोजना का शुभारम्भ मोदी 3.0 की प्राथमिकता और कार्य करने की गति की एक झलक है, और विकसित भारत के लक्ष्य को, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार, NDA सरकार तत्पर है, कृत संकल्पित है। और लगातार इन 10 वर्षों में, चूंकि ये अगर देखें तो ये सरकार कोई 5 वर्ष की नहीं बल्कि
प्रधानमंत्री जी का ये जो एक निर्णय है बहुत ही मजबूती के साथ और दूरगामी सोच के साथ भारत सरकार काम कर रही है और एक के बाद एक बड़े बड़े और बोल्ड निर्णय भी ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो संकल्प है विकसित भारत का, तो इस विकसित भारत के लक्ष्य को हम सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहेगी और आने वाले समय में और भारत सरकार के माध्यम से बड़े निर्णय भी होंगे और जो भी हमारे जो योजनाएं जो स्वीकृत की जा रही है उस योजना के लाभुकों तक लाभ पहुंच सके इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग भी किए जा रहे हैं और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार समय समय पर कार्यक्रम बनाकर भारत सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में चाहे वो आकांक्षी जिला हो आकांक्षी ब्लॉक हो वैसे जगहों पर भी जाकर योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं उस योजना का लाभ लोगों तक मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसके बारे में भी हम उनसे सीधा संवाद कर जहां कहीं भी लोगों को कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये मोदी सरकार के 100 दिन के 3.0 जो अभी मोदी सरकार का कार्यक्रम है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो आप सबको फिर से हम बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय भी हुआ पिछले दिनों जो आपराधिक कानून जो पुराने आपराधिक कानून थे जो अप्रासंगिक हो गए थे उसके तहत जो ये निर्णय हुए भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें भी 2023 ये भी लागू हो चुके हैं और इसमें भी जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित इसमें है उसके लिए भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी हम अपने विभाग के सभी एक वेबिनार के माध्यम से कई स्तर पर ट्रेनिंग भी हुए हैं उनको हर चीज़ों की जानकारी भी हम दिए हैं ताकि आने वाले समय में जब इसके माध्यम से जो अपराध है उसका जो कठोर से कठोरतम सजा है उस पर काम कर सके। झिनिर झिनिर कर रहा है बरस नहीं रहा है काहे बारिश को कोस रहे हो। झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा तुमको मिला नहीं मिला हमको भी नहीं मिला हमें तो नहीं मिला आपको मिला क्या इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला आपको मिला क्या TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.